सुनो बात सुनो हरिओ। देखिए अपने चिड़ियाघर के सभी फेवरेट एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ sonylive.com sonylive.com पर। बैठिए ना प्लीज बैठिए संग्राम जी। आप तो जानते ही हैं कि हमारी स्कूल के आसपास के 3-4 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। जी टीकू जी जानता हूँ। और वहाँ के सारे बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे बच्चों को हमारी स्कूल में एडमिशन दें। इसलिए हमारे स्कूल के आसपास के 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो मैं खरीद रहा हूँ। हम वहाँ एक नया स्कूल स्टार्ट करेंगे। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप है ना टीचर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दीजिए। सर वो पीटी टीचर। क्या हुआ पीटी टीचर को? सर उनकी हालत बहुत खराब है सर, आप खुद ही चलकर देखिए सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं हम भी चलते हैं, चलो। क्या हुआ भाई? मालिक मुझसे गलती हो गई, भूतों के असली बादशाह आप ही है मालिक, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा, प्लीज मालिक प्लीज। अब आई चीटी पहाड़ के नीचे, आई पूरी आई। तुम्हारा क्या करना है वो तो मैं बाद में तय करूंगा, उधर जाकर साइड में खड़े रहो जा। फिलहाल तो मुझे ये पता करना है कि प्रीतम प्यारे क्या कर रहे हैं। पुत्रीना जादुई ग्लोब निकालो। प्रीतम वेल डन, तुम लोगों ने धारा कोयला को बरनी में बंद करके कमाल ही कर दिया। वाह, इसी तरह भूतों का मुकाबला करते जाओ। आई एम विथ यू ब्रो। वेल थैंक यू। अरे प्रीतम किसे थैंक यू कह रहे हो? मैकी भूत मारे। अरे हाय मैकी जी, कैसे हो? साउथ अफ्रीका जंगल में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। वो सब छोड़ प्रीतम, वो स्पेशल जैकेट का क्या हुआ? जैसा आपने कहा था वैसे ही बनाया, ये देखो। हाँ, well done boys, well done। वैसे भूतमारी जी, ये जैकेट है किसकी है? भूतों से भागने के लिए। मान लो कि कभी ऐसी सिचुएशन आए कि भूतों ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा हो और तुम्हें भागने के लिए कोई रास्ता ना मिले, तब ये जैकेट तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि ये जैकेट तुम्हें हवा में उड़ा देगा और तुम भूतों के चंगुल से बच सकते हो। वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। ये भूत मारे कौन है? भूतों का नंबर 1 दुश्मन। भूतों को मारने के लिए उसने बहुत सारे हथियार बनाए हैं। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो। ओह, अब समझ में आया कि ये दोनों उल्लू हम पे भारी क्यों पड़ते हैं। पुत्रीना, काश हमारे पास भी ऐसा कोई भूत साइंटिस्ट होता जो हमें ऐसा हथियार देता जिससे हम इंसानों की बैंड बजा दें। दारा, ऐसा एक साइंटिस्ट है। क्या कहा तुमने? ऐसा एक साइंटिस्ट है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया पुत्रीना? तुमने पहले पूछा ही नहीं। तो अब बता दो कौन है वो, क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंसान मार्टोस्की। ये कैसा नाम है? जैसा भी नाम है, दारा खुश, दारा खुश। अच्छा प्रीतम, हाँ इस जैकेट का जरा डेमो दिखाना। हाँ दिखाता हूँ। देखा? अब मैं इसकी दोनों डोरी खींचूंगा, यहां से गुब्बारे फूलेंगे और ये जैकेट हवा में जाए। देखना, 1, 2, 3।
ये तो कमाल हो गया प्रीतम। वैसे एक बात बता, अब अगर इस जैकेट को नीचे उतारना है तो कैसे उतारेंगे? सिंपल है, बंदूक निकाल। बंदूक? हाँ है। जल्दी बंदूक निकाल वरना ये छत फाड़ के बाहर निकल जाएगा। जल्दी मार, उधर मार। अरे बंद कर, जैकेट को गोली क्यों मार रहा है? बलून पे मारना। तो ऐसे क्लियरली पहले बोलना चाहिए था ना। सॉरी, अब देखो। देखा है ना मस्त। हाँ, मेरा निशाना। निशाना नहीं, जैकेट की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी, जैकेट भी मस्त है। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, मान लो अगर ये जैकेट जीजाजी के हाथ लग गया और जीजाजी हवा में इसके साथ उड़ गए तो? तू ना नेगेटिविटी का बादशाह है। वो तो मैं हूँ। सॉरी, ये गलत सोचना बंद कर, पॉजिटिव सोच, बी पॉजिटिव, ठीक है? कुछ नहीं होगा। अब चलो जैकेट को रिपेयर करते हैं। पागल, गोली मार दी जैकेट पे। ये देखिए सर, ये हो क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये हमारी स्कूल है या नाई की दुकान? ये बाल कटवा रहे हैं यहाँ पे? अभी पीटी का पीरियड है, आपको तो ग्राउंड में होना चाहिए था। वहीं पे था सर, लेकिन हर 5 सेकंड में मेरे बाल बढ़ रहे हैं। काट भाई काट। बंद करो ना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हर 5 सेकंड में बाल बढ़ रहे हैं? हमें ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना। ताज्जुब तो मुझे भी हुआ था मैडम, लेकिन जो है आपके सामने है। ये कब से हो रहा है भाई? सर अभी कुछ देर पहले से। एक्चुअली सर, एक लड़का है 5वीं कक्षा का, यश कपूर, तो वो बाल नहीं कटवा के आया था, तो मैंने उसे वार्निंग दी थी कि अगर तू कल बाल कटवा के नहीं आया तो मैं खुद तेरे कैंची से बाल काट दूंगा। बस सर इतना ही बोला था कि मेरे बाल बढ़ना शुरू हो गए सर। तू काट भाई काट। पीटी टीचर, आज तक तूने जितने भी लोगों के बाल काटे हैं, वो सब तेरे सर पे हो गएंगे, फिर ही तेरी खेती बंद होगी। This is impossible, sir. Sir, हो ना हो ये किसी भूत की करतूत। मैरी जी, ये भूत कुछ नहीं होता है। मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ, सब जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है ये शरारत किसकी हो सकती है। आप चलिए सर, मैं दिखाता हूं। आइए। काट भाई काट, और काट। मालिक बधाई हो, मालिक बधाई हो। अब तो आप इंसान मार्तोस्की की मदद से और भी शक्तिशाली बन जाओगे। हाँ डरपोकली, मैं भूतों का सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। और तुम मेरे फुंतरू। मालिक मालिक, आप कितने महान हो, आप कितने दयालु हो मालिक। डरपोकली खुश, फुंतरू खुश। किंतु फुंतरू बाबू, एक बार हमारा मालिक से पूछ तो लीजिए, ये फुंतरू होता क्या है? अरे उसमें पूछना क्या है, जैसे राजा के मंत्री होते हैं वैसे भूतों के राजा के फुंतरू होते हैं। और फुंतरू को एक और काम करना पड़ता है डरपोकली। जी मालिक। तुम्हें लेबोरेटरी का सफेद चूहा बनना पड़ेगा। हाँ, और तुम पे टेस्ट होगा कि इंसान मार्तोस की प्रीतम प्यारे की बैंड बजाने के लिए जो हथियार बनाएगा वो सही है या नहीं। मालिक माफ कीजिए मुझे, मैं अभी के अभी पुंत्रु के अवधे से इस्तीफा दे देता हूँ और अपने बिल में घुस जाता हूँ। खबरदार, जो यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं आपका पुंतु
बनने के लिए तैयार हूँ। शाबाश मेरे बहादुर पुंत्रु। पुत्रीना, अब इंसान मार्तोस्की को बुलाने का समय आ गया है। प्रीतम प्यारे तारा आ रहा है। अब फ्रेंड्स देखना मेरा मैजिक। फ्रेंड्स ये देखो इसमें क्या है, एक डाइस। एक टाइम करेक्ट। गिली गिली शू मंत्र काली मंत्र शू। अरे अरविंदो हमें भी बता ना तूने जादू कैसे किया। प्लीज प्लीज अरे प्लीज बताना प्लीज प्लीज बताना। ओके ओके तुम मेरे खास फ्रेंड्स हो इसलिए तुम्हें बताता हूँ। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, सब हाथ की सफाई होती है। ये देखो ये ओरिजिनल डाइस यहाँ पर है जो आयन की बनी है और यहाँ पर एक मैग्नेट है। अभी मैं छोटे डाइस इनमें छुपाता हूँ, ये देखो। फिर मैं इसे धीरे से ऐसे डालता हूँ और फिर जब मैं इसे शेक करता हूँ तो ये ऊपर चिपक जाते हैं। अरविंदो सर आ गए। यस सर। अभी तो तुम फिर से मैजिक करके दिखा रहे थे ना। नो नो सर वो तो बस यूं ही। साइलेंस। मन बुद्धि नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। पिछले साल एनुअल डे पे तुमने मैजिक करके दिखाया था ना, और तुम्हारे फादर मैजिशियन है और तुमने ही मैजिक करके पीटी सर के बाल बढ़ाए ना। मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। नहीं नहीं सर मैंने नहीं किया ये बोलना। हाँ सर अरविंद तो हमारे साथ ही था। साइलेंस। मन बुद्धि नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। वो मैंने किया था संग्राम सिंह, लेकिन तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा। तुम्हें तुम्हारी शरारत की सजा जरूर मिलेगी। कल अपने पापा को स्कूल में ले आना, मैं उनसे तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। लेकिन सर। लेकिन वैकिन कुछ नहीं, चलो बाहर। अंगूठे पकड़कर यहीं खड़े रहो। जब तक हिस्ट्री का पीरियड खत्म करके मैं नहीं आ जाता तब तक यूं ही खड़े रहोगे। अरे अरविंद तो छोटा सा बच्चा है, ये वो जादू नहीं कर सकता। कर सकता है सर। सर इसके फादर बहुत बड़े मैजिशियन हैं और सर ये बच्चा बच्चा नहीं शैतान बच्चा है। अच्छा। और आप तो जानते हैं सर क्या आप मंद बुद्धि नहीं है। जी थैंक यू सर। सर मेरी हिस्ट्री की क्लास है, मैं आता हूं। मेरी यकीन नहीं होता कि अरविंदो जैसा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा जादू कर सकता है। 5 सेकंड में बाल बढ़ जाते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। नहीं नहीं सर उस बच्चे का नाम अरविंदो नहीं बल्कि भूत प्रसाद है। भूत प्रसाद? यस सर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है और इसमें साफ साफ लिखा है कि वो बच्चा भूत है। ये देखिए भूत है। राइट सर। आज से 100 साल पहले यानी कि 1914 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में ये बच्चा पढ़ा करता था। इसके टीचर ने इसे इतना डांटा कि इसे शॉक लग गया और लगभग 2-3 दिन तक ये बीमार रहा, फिर उस बीमारी में ही इसकी डेथ हो गई। ये देखिए सर। डेथ हो गई? सैड, दैट्स वेरी सैड। और तो और सर उस डेथ के बाद वो बच्चा भूत बन गया। और उसने उस टीचर को इतना सताया कि अल्टीमेटली वो स्कूल छोड़कर चला गया। इनफैक्ट वो ही टीचर नहीं उस स्कूल के सारे टीचर्स एक एक करके स्कूल छोड़कर चले गए और वो स्कूल बंद हो गया। ये देखिए सर इस डेटा में साफ साफ दिख रहा है कि 100 साल में 134 स्कूल बंद करवा चुका है वो बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्कूल के आसपास जो स्कूल बंद हुए हैं उन्हें बंद करवाने में भी शायद भूत प्रसाद का ही हाथ है। राइट सर। क्योंकि इन सारे स्कूल में भी पहले टीचर्स को डराया गया और अल्टीमेटली उनको भगा दिया गया, फिर तो स्कूल बंद होने ही थे ना सर। आई एम श्योर इन सब के पीछे वो भूत प्रसाद का ही हाथ है। चलो सब अपने अपने हिस्ट्री की बुक निकालो। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 23 नीरज पांचाल बताओ हिंदुस्तान का सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था। सर मुझे नहीं पता। बेंच पर खड़े हो जाओ। सर बेंच पर खड़े हो जाओ। बच्चे को डरा रहे संग्राम सिंह, अब तू डरेगा देख लेना। हाँ सर वो इतना बदमाश बच्चा है
कि अगर कोई टीचर किसी भी बच्चे को सताने की कोशिश करे या जरा से भी स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करे ना, तो वो हवा में चॉक उड़ाने लगता है या बुक्स उड़ाने लगता है। Strange, very strange. हिंदुस्तान में सबसे पहली बार शरारत मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी तो बैंड बजा के रहेगा। ये भूत प्रसाद सर, टीचर्स की तो वो हालत खराब कर देता है, ऑटोमेटिकली उनके कार्टून्स ब्लैकबोर्ड पे बनने लग जाते हैं। सर मामला बड़ा सीरियस, हमें फौरन घर चलना चाहिए और प्रीतम प्यारे को बताना चाहिए। यस सर, चलो। मंदबुद्धि नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। अरविंद तो दूसरे क्लासरूम में बैठकर मैजिक कर रहा है। विवेक तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? स्टैंड अप, चलो निकलो बाहर, चलो बाहर, चलो। साइलेंस, पानी दो जल्दी। फॉरन घर चलो, प्रीतम प्यारे ही इस भूत से निपट सकते हैं, उनको यहाँ भेजना ही पड़ेगा। चल 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 चल। Watching, watching for its son, Matoski. Watching for its son, Matoski. Hi, I am इंसान मार्तोस्की। इंसान मार्तोस्की। वेलकम वेलकम। बोलिए दादा, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? प्रीतम प्यारे नाम के दो बेवकूफ इंसान हैं, जिन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा है। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिससे भूत मर जाते हैं, इसलिए मैं खुलेआम उनसे लड़ नहीं सकता। क्योंकि दारा डरता है। हाँ। क्या? डोंट वरी दारा, जो इंसान भूतों के दुश्मन हैं, मैं उनका दुश्मन हूँ। उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में मुझे बहुत मजा आता है। रशियन भूतों से मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी है, तो बताइए दारा, उन लोगों को कैसे मारना? इंसान मार्तोस्की, वो दोनों मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं मुझ पर। ऐसा कोई हथियार बनाओ जिससे वो हंसते हंसते मर जाए। नास्तो बिसाना। वाओ।
बन गया। ये बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है, जिसको भी एक बार लगा दो वो हंसते हंसते मर जाएगा, लेकिन उसकी हंसी कभी बंद नहीं होगी। ये लो। वाह वाह इंसान, मार तो उसकी, वाह। अब आएगा खेल का असली मजा। दारा खुश। Catch your favorite episodes of FIR only on Sony Live.